हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कुमार मनीष एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से हम एक नई अपडेट के साथ आ चुके हैं। जो आज की हमारी अपडेट होगी वो केस से रिलेटेड होगी, यानी कि जो आरओएचएस की जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग थी, यानी कि आरओएचएस के अंदर जो थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग है, जो अलॉटमेंट था, उससे रिलेटेड हमारी ये वीडियो होगी। जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग होगी, कब होगी, कैसे होगी, ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन होगी, ये सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं अपने जो आरओएचएस, यानी कि आरओएचएस के अंदर जो सेकंड राउंड हो चुका था, उसके बाद जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग थी, उसका जो अलॉटमेंट है वो आरओएचएस यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी डेट बताई गई है, इनको कितनी डेट को क्या होगा, जो आरओएचएस का जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग होगा वो काउंसलिंग स्टार्ट होगी। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, लेटेस्ट वैकेंसी के ऊपर क्लिक करते हैं, जो थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी। देख लिया, अभी मैं आपको बताता हूँ जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग, देखिए यहाँ पर ये ठीक है, यानी कि जैसे एक देखिए जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग था, अलॉटमेंट था, वो जारी हो चुका है, यानी कि आरओएचएस के द्वारा थर्ड राउंड की काउंसलिंग का जो अलॉटमेंट है वो जारी हो चुका है। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, हमें क्या जो नोटिफिकेशन की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा वो वहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा। और हम यहाँ से इसको डाउनलोड करने के बाद क्या करेंगे, देख लेते हैं कि जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग है उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो जारी हो चुका है, तो इसमें क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, यानी इसके अंदर सबसे पहले ये देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंस के द्वारा, यानी इसके द्वारा क्या ये रिलीज़ किया गया है, और किस संबंध में किया गया है, राजस्थान सेंट्रल एडमिशन, यानी 2020 जो काउंसलिंग थी थर्ड राउंड की काउंसलिंग के बारे में बताया गया है। इसके अंदर ये चीज़ें सारी चीज़ें बताई गई हैं कि किसके लिए बताया गया, जो अलॉटमेंट, यानी अलॉटमेंट जारी हो चुका है, ठीक है, और किस कारण, यानी जो बीएससी नर्सिंग के अलॉटमेंट है वो जारी हो चुका है। और ये किसके अंदर देखिए, ये स्पष्ट बताया गया क्या बताया गया, जो शेड्यूल्स, यानी कि थर्ड राउंड की काउंसलिंग का जो शेड्यूल्स है वो आ चुका है, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है। तो सबसे पहले देख लीजिए जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग वो किस प्रकार से होगी, क्या क्या करने पड़ेगा थर्ड राउंड की काउंसलिंग के अंदर, यानी कि डिपॉजिट ऑफ द काउंसलिंग फीस, यानी सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी, जो काउंसलिंग फीस है डिपॉजिट करनी है, 500 रुपये काउंसलिंग फीस क्या होंगे डिपॉजिट करनी पड़ेंगी, एंड च्वाइस फिलिंग ऑफ द कॉलेज, यानी कि और उस फॉर्म को फिल करने के लिए आप अपनी कॉलेज, यानी कि अपने च्वाइस के आधार पर कौन सी कॉलेज लेना चाहते हैं, कहाँ की कॉलेज लेना चाहते हैं, वो क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। यानी कि इसमें क्या होगा, पहले भी मैंने एक इस वीडियो के अंदर ऐसी वीडियो डाली थी जिसके अंदर बताया कि 500 रुपये क्या कटवाना पड़ेगा, चालान कटवाना पड़ेगा, और जो 500 रुपये का जो चालान कटवाने के बाद क्या होगा, जो काउंसलिंग की फीस होगी उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, यानी कि अपनी च्वाइस के आधार पर हम कॉलेज को सेलेक्ट कर सकते हैं, या अपनी च्वाइस के आधार पर हम कॉलेजेस भर सकते हैं, जिसके अंदर चार या पाँच ऑप्शन आएंगे, जो चार पाँच ऑप्शन यानी कि अपनी कॉलेज को क्या करेंगे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यह डेट कब तक, यानी कि हमें 500 रुपये का चालान कटाकर कॉलेज कब तक सेलेक्ट करनी होती है, ये देखिए ये स्पेशल डेट दे चुकी है, यानी कि 11 अप्रैल तक क्या कर सकते हैं, ये 500 रुपये का जो चालान है ये कटवा सकते हैं, ठीक है, 5:30 बजे तक। उसके बाद जो अगली चीज़ देखने को मिलेगी, पब्लिश ऑफ द अलॉटमेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो पब्लिश होगा, यानी कि जो आरओएचएस की थर्ड राउंड काउंसलिंग का जो अलॉटमेंट इन्फॉर्मेशन पब्लिश होगा वो कब होगा, 16 अप्रैल, यानी कि 16 अप्रैल को क्या होगा, जो अलॉटमेंट होगा वो वेबसाइट के ऊपर, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जारी होगा। उसके बाद जो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो अलॉटमेंट जारी होगा, उसके बाद क्या किया जाएगा, प्रिंटिंग, यानी कि प्रिंटिंग दिया जाएगा, किसके लिए, इसमें क्या दिया जाएगा, सबसे पहले देखते हैं, प्रिंटिंग द अलॉटमेंट लेटर एंड रिपोर्टिंग बाय द कैंडिडेट ऑल द अलॉटमेंट कॉलेज ऑफ द डिपोजिशन, यानी इसमें उसके बाद क्या किया जाएगा, जैसे ही यानी कि 16 तारीख को क्या होगा, जो इन्फॉर्मेशन जो अलॉटमेंट जारी होगा, उसके बाद जो भी इसके अंदर ये बताया गया कि जो कैंडिडेट हैं उनको क्या कॉलेज को डिपोजिट, यानी कि कैंडिडेट को क्या होगा कॉलेज को डिपोजिट, यानी कॉलेज डिपोजिट कर दी जाएगी। और यह कॉलेज कब तक की डेट होगी इसकी, कॉलेज को, यानी कैंडिडेट कब तक इसको अप्लाई कर सकते हैं, यानी डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकते हैं, यानी कि 20 अप्रैल, यानी 20 अप्रैल तक की जो भी कैंडिडेट हैं उसको क्या करते हैं वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट नीचे लास्ट डेट दी गई, एक चीज़ और दी गई है इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़, यानी इंपॉर्टेंट नोटिस दिया गया है, जिसमें जो लास्ट डेट होती है, यानी लास्ट डेट ऑफ द फिल द चॉइसेस ऑफ द कॉलेज, यानी कि लास्ट डेट क्या होती है जो चॉइस को फिल कर सके, उसके होते हैं पहले ऊपर भी बता चुका हूँ, यानी कि 11th, यानी कि 11th अप्रैल क्या होता है इसकी लास्ट डेट होती है, जो जिसके अंदर हम क्या करते हैं 500 रुपये का चालान कटाकर और हम जो अपनी कॉलेज हैं उनको चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, अगर हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, एंड बेल आइकन को ऑन कर दें, और ऐसे ही नई नई वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।